स्वागत है आपका हमारे शो कनंड्रम में। इस सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से कई सभ्यताओं ने यहाँ जन्म लिया। कुछ का तो विनाश हो गया और कुछ आज भी चली आ रही है। हालांकि हर सभ्यता के अपने तौर तरीके होते हैं, इन सभी में एक चीज समान है और वो है इनका अच्छाई में विश्वास। वो विश्वास जो कहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होकर रहती है, या यूं कहें कि हर बुरी शक्ति को हराने के लिए एक अच्छी शक्ति भी जरूरी होती है। इस दुनिया में अगर प्रेत है तो देवता भी है, अंधकार है तो रोशनी भी है, और डर है तो साहस भी है। इसी डर को मिटाने के लिए और अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जाते हैं। यह सारे स्थान सकारात्मक भावना के प्रतीक हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, तो क्या इन पवित्र जगहों पर भी बुरी आत्माओं का साया हो सकता है? गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वहाँ के सुंदर बीचेस और मौज करते हुए लोगों की तस्वीर आ जाती है। लेकिन इस शोर शराबे से भरी जगह पर एक स्थान ऐसा भी है जहाँ आज भी सन्नाटा और डर दफन है। ये कहानी है गोवा के थ्री किंग्स चर्च की। मोदेर कंजोलिम में बने इस चर्च को गोवा की सबसे भूतहा जगह कहा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस चर्च के आसपास से गुजरते हुए उन्हें कई बार अनजानी रूहानी ताकतों का एहसास होता है। यह ताजुब की बात है कि एक चर्च जैसी पाक जगह पर बुरी ताकतों का निवास है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा क्या हुआ था इस चर्च में जिसके बाद इस चर्च को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा? अगर ईश्वर से जुड़ने का स्थान भूतों का खंडहर बन के रह जाए तो कोई तो वजह रही होगी। चलिए थोड़ा अतीत में चलते हैं। गोवा पर कई सौ साल तक पुर्तगालियों का राज था, जिसके चलते आज भी गोवा पुर्तगाली आर्किटेक्चर से बनी इमारतों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसी तर्ज पर बना यह चर्च सन 1599 में फादर गोंजालो कारवालो एसजे ने बनवाया था। यूं तो इस चर्च की कहानी सभी अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, लेकिन हम आपको वही कहानी सुनाएंगे जिस पर वहाँ के रहवासी विश्वास करते हैं। सालों पहले की बात है, गोवा में तीन पुर्तगाली राजा राज किया करते थे। तीनों राजा बड़े ही लालची किस्म के थे और उनके बीच सत्ता और दौलत पाने की होड़ लगी रहती थी। समय के साथ उनकी लालसा बढ़ती गई, जिसके चलते उनके विवाद और गंभीर होते चले गए। ये बहाना देखकर कि तीनों राजाओं के विवाद का खामियाजा सीधा पुर्तगाली सरकार को भुगतना पड़ रहा है, किंग होल्गर एल्वेंगर ने समझौता करने के लिए बाकी दोनों राजाओं को इसी चर्च में रात्रि भोज पर बुलाया। कुछ लोगों का कहना है कि किंग होल्गर यही रहा करते थे। चूंकि बात पुर्तगाली सरकार की आ गई थी, इसलिए दोनों राजाओं ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इस घटना का साल तो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है, लेकिन कुछ लोग 6 जनवरी का दिन बताते हैं। तो 6 जनवरी के दिन दोनों राजा भोजन निमंत्रण के दिए हुए समय और जगह पर पहुंचे। किंग होल्गर के बुलावे को बाकी दोनों राजा शांति का फरमान समझ रहे थे, लेकिन किंग होल्गर को पैसे और राज के लोभ ने अंधा कर दिया था। भोजन चालू करने के कुछ ही पलों बाद दोनों राजा अपनी कुर्सी से गिर गए और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। किंग होल्गर ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, जिसके चलते दोनों राजाओं की तुरंत मौत हो गई। इतिहास में दो चीजों को कायरता और विश्वासघात का प्रमाण कहा गया है। पहला, घर में आए किसी मेहमान की जान लेना। दूसरा, किसी को धोखे से जहर देकर उसकी जान लेना। किंग होल्गर ये दोनों ही लाछन अपने ऊपर लगवा चुका था। जल्द ही दोनों राजाओं के समर्थकों और प्रजा को उनकी मृत्यु की खबर मिली। किंग होल्गर की कायरता देखकर आग बबूला हुई दोनों राजाओं की सेना ने साथ मिलकर किंग होल्गर पर आक्रमण किया। जल्द ही किंग होल्गर की सेना ने अपने घुटने टेक दिए और दोनों सेनाओं ने किंग होल्गर के चर्च को घेर लिया। किंग होल्गर के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, ना कोई भागने का रास्ता, ना कोई छुपने की जगह। इस डर से कि अगर वो पकड़ा गया तो लोग उसे यातना देंगे, उसने उसी चर्च में आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के मृत शरीर को उसी चर्च में दफना दिया गया। कहते हैं कि अकाल मृत्यु इंसान की आत्मा को यहाँ वहाँ भटकने पर मजबूर कर देती है। वो आत्मा अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में लगी रहती है जिसे वो जिंदा रहते पूरा ना कर सकी। मरने के बाद भी उन तीनों राजाओं का दौलत और सत्ता का मोह खत्म नहीं हुआ। लोगों का मानना है कि तीनों राजा आज भी अपनी इच्छाओं में चूर होकर लड़ रहे हैं, इसलिए शायद आज भी उस चर्च के अंदर जाने वाले लोग बताते हैं कि कभी उन्हें तलवारें टकराने की आवाज़ सुनाई देती है तो कभी कुर्सी गिरने की। कई लोगों का तो यह तक कहना है कि उन्होंने राजाओं की रूह को सिर्फ महसूस ही नहीं किया बल्कि देखा भी है। हर साल 6 जनवरी को
आसपास के लोग यहाँ लंगर का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहाँ भूखों को खाना खिलाया जाता है। शायद उनका मानना है कि किसी तरह ये उन दोनों राजाओं का अधूरा भोजन पूरा कर देगा। सच चाहे जो हो, ये बात यहाँ के लोगों का इस कहानी में अटूट विश्वास दर्शाती है। आज ये जगह एक जाना माना टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, फिर भी यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर यहाँ किसी पारालौकिक शक्ति के होने का एहसास होता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोग इसी जगह जाकर इन ताकतों को महसूस करना चाहेंगे। अगर आप में से कोई इस जगह गया हो तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हर हफ्ते हम आपके सामने ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियाँ और किस्से लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।